हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, फिर से निकलने वाला हूँ मैं। मतलब रात को ही आया था और आज वापस, मतलब कल आया था और रात रुका और सुबह वापस निकलने वाला हूँ मैं कोटा की ओर। तो आपको दिखाऊंगा कोटा के कुछ हसीन नज़ारे। जो नव निर्माण चल रहा है कोटा में, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर दिखा पाया तो दिखाऊँगा, लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब। बस अभी रेडी होके निकलेंगे अपन। सो गाइस, नहा धो के मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी निकलने की तैयारी में हूँ कोटा। तो अभी मेरी डॉटर सोई हुई है, मिस्टी अभी सोई हुई है। तो थोड़ी देर बाद में निकलने वाला हूँ। तो दोस्तों बताना कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे बाल भी बड़े बड़े हो रखे थे और दाढ़ी वगैरह भी सेट नहीं करवा रखी थी मैंने, लेकिन आज यानी कि पिछले रोज शुक्रवार को मैंने अपनी दाढ़ी वाड़ी सेट करवा ली, बाल वाल अच्छे से सेट करवा लिए। तो अभी बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं, डाकू गब्बर सी गब्बर। सो गाइस, गर्मी के टाइम पे अगर आप जल्दी निकल जाते हो सुबह सुबह तो अच्छा होता है, वरना आपको पता है 10 बजे के बाद काफ़ी कड़कती धूप पड़ती है तो आपका निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे कम से कम 2.5 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। अगर बीच में कोई मोटरसाइकिल आ जाती है वैसे तो मोटरसाइकिल में बैठ के निकल जाऊंगा मैं बाइक पे। सो गाइस, मुझे ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा और मैं अपने ही गांव की मोटरसाइकिल में बैठ के अंता पहुंच गया और इस वक्त मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं जो कि कोटा के लिए रवाना होने वाली है। तो दोस्तों, इस वक्त हम कोटा के अंटाघड़ चौराहे से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बनाया गया है, ट्रैफिक फ्री मार्ग बनाया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर है। और दोस्तों, यहीं पर अपना कॉलेज भी पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज, और यहां पर एक ग्लोब भी बनाया गया है जिस पर एक फौजी और एक बच्चे को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है दिखने में और बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ पर पहले कोई भी चौराहा नहीं हुआ करता था और दोस्तों, यह दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, ये भी कोटा का ही है। और दोस्तों, ये कोटा का किशोर सागर तालाब है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, और यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ और दादाबाड़ी में जाने वाला हूँ। तो यहीं पर पास में 7 वंडर्स भी हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और नवनिर्माण चल रहा है इस वक्त कोटा का। काफ़ी ज़्यादा ओवर ब्रिजेस बन चुके हैं और ये एरोड्रम चौराहा है। सो गाइस, इस वक्त पहुंच चुका हूँ मैं कोटा। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 11:28। मेरे पीछे धूप आ रही है इसलिए चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। गाइस, इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने होटल में जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ अपने होटल कोटा क्रिस्टलिन होटल में। सो गाइस, टाइम पे साधन मिल तो जाता है, मगर इधर उधर घुमाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मैं। तो अभी टाइम हो चुका है 11:51, यानी कि 12 बजने वाले हैं। सो गाइस, टाइम हो चुका है 1:20, और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग उसको पूरा देखते नहीं हो। सो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।